हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं एसएससी जेई एग्जाम 2016 का रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन वन है, ब्रांच का प्लांट है तो लिम्ब का क्या होगा? तो ब्रांच जो है पार्ट है प्लांट का, लिम्ब जो है पार्ट होता है एनिमल का, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैक्टस का थॉर्न्स है तो सीप का क्या होगा? कैक्टस थॉर्न्स मीन्स होता है कांटा, तो सीप से हम क्या होता है सीप में? ऊल होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी ऊल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन डस्क हो रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन चार दिया है, करेक्ट क्या होगा? डाउन डस्क यहाँ पे अपोजिट जो है यूज हो रहा है, डाउन मीन्स होता है मॉर्निंग, डस्क मीन्स इवनिंग होता है, तो अपोजिट जो है ऑप्शन सी में यूज किया गया है, समर विंटर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई बी का डी डब्ल्यू हो रहा है तो सी एक्स उसके बाद जो है क्या होगा? तो वाई बी में यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाई और बी लास्ट एंड से जो है सेकेंड है और स्टार्ट से जो है सेकेंड है, इसी तरह डी डब्ल्यू है यानी स्टार्ट से जो है फोर्थ है और एंड से जो है फोर्थ है। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सी एक्स, सी जो है स्टार्ट से थर्ड है और एंड से जो है थर्ड है, अब जो होगा वो होगा एंड और स्टार्ट से, तो एंड और स्टार्ट से जो है जेड और ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट रिलेटेड वर्ड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, थीन का नाइन्थ हो रहा है तो होल का क्या होगा? तो यहाँ पे जो है कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, थीन का नाइन्थ है तो यहाँ पे हम नंबर अगर हम डिजिट काउंट करेंगे, लेटर काउंट करेंगे, तो थीन में जो है चार लेटर है और नाइन्थ में जो है फाइव लेटर है, होल में चार लेटर है और तब जो है इसमें जो है जिसमें फाइव लेटर होगा वो करेक्ट आंसर होगा, तो उसमें हील में जो है यहाँ पे चार लेटर है, हेलो में फाइव लेटर है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में फाइव लेटर का है तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर एरिया एमिन का क्या होगा? तो यहाँ पे जो है इसमें भी हम लेटर काउंटिंग करेंगे, केयर में जो है चार लेटर है, एरिया में भी चार लेटर है, तो एमिन में जो है पाँच लेटर है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी में देखते हैं कि फाइव लेटर है और सब किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10³ का जो है 3 हो रहा है तो 10⁵ का क्या होगा? तो 10³ में 30 है तो 3 हो रहा है, तो इसमें 50 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 5। नेक्स्ट है, यहाँ पे ऑप्शन है वायलेट, इंडिगो, वाइट, ब्लू, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बी डी जो है ये जो है रेनबो का कलर है, वाइट जो है नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे ऑड चुनना है, सेलेक्ट करना है, टी कॉफ़ी, ब्रेड बटर, कप सॉसर, वाइन चीज, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बी डी में जो है ये जो है ईटेबल है और ये जो है इटेबल नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑड है ये। नेक्स्ट है, यहाँ पे ऑड सेलेक्ट करना है, ऑप्शन ए है बंगला, विला, ऑफिस, शॉप, हाउस, अपार्टमेंट, हाउस, विला, तो यहाँ पे तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑड जो है ऑफिस एंड शॉप है, रिमेनिंग जितने भी हैं ये सब जो है रेसिडेंशियल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑफिस एंड शॉप। नेक्स्ट है, ऑड सेलेक्ट करना है, ऑप्शन ए है ओ पी आई जे एस यू डी, ओ पी में जो है प्लस वन ऐड हो रहा है, आई जे में प्लस वन, एस यू में प्लस टू ऐड हो रहा है, एस टी यू, उसके बाद ऑप्शन डी है इसमें भी प्लस वन ऐड हो रहा है, तो ऑड जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, एस यू। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑड सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लफीनेस फाइनली डेफिनेट डिफाइन, इसमें जो है ऑड क्या है, तो सब में जो है एफ आई एन फाइन आ रहा है ऑप्शन सी छोड़ के, इसमें जो है आई एन ई आ रहा है, एफ आई एन आई आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है ऑड है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑड सेलेक्ट करना है, ऑप्शन ए है ए एक्स यू आई, ऑप्शन बी है ई एल एम, ऑप्शन सी है ए एस आई वी, ऑप्शन है डी वाई आर ई वी, तो इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे बॉवेल चेक करके, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में बॉवेल्स जो है थ्री है, इसमें जो है टू है वन है, तो सबसे ज़्यादा थ्री इसमें है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ऑड सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है 4567, 2345877, 656789। तो ए बी सी डी में जो है वर्ड जो है यहाँ पे डिजिट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऑप्शन सी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो ये ऑड हो गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऑड सेलेक्ट करना है, तो 101, 37, 225, 65, 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑप्शन सी जो है ऑड हो गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें भी ऑड सेलेक्ट करना है, 112, 147, 130, 152, 126, 161, 119, 133। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 130, 152। रिमेनिंग जितने भी हैं तीनों, ये जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसमें जो है कंप्लीट करना है सीरीज को। ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड बुजवर्ड्स, प्रीचर, बोनाजा, क्रेडिट, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो इसमें जो है नंबर ऑफ लेटर काउंटिंग करेंगे, और यहाँ पे देखते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसमें जो है 9 लेटर है, इसमें 8 लेटर है, इसमें 7 है, 6 है, तो नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें 5 लेटर होगा, तो ऑप्शन बी में दिया है 2, 2, 4, 5, 5 लेटर है, हनी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी ऑप्शन है उसमें जो है 4 लेटर 4 लेटर 4 लेटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है इसमें भी कंप्लीट द सीरीज करना है। यहाँ पे है क्रेजी, जायगॉट, टीपॉट, अदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रेजी में जो है क्रेजी लास्ट एंड से जो है सेकंड लेटर जो है जेड, जेड से नेक्स्ट लेटर शुरू हो रहा है, और एक लेटर जो है ज़्यादा का जो है वर्ड बन रहा है। क्रेजी में जो है 5 लेटर है, इसमें 6 लेटर है। इसी तरह जायगॉट, टी जो है टी से फिर नेक्स्ट लेटर शुरू हुआ, टाइप टीपॉट, टीपॉट ओ से फिर नेक्स्ट लेटर शुरू हुआ, तो अदर, अदर में जो है अदर में नेक्स्ट लेटर जो स्टार्ट होगा वो ई से होगा और 6 लेटर का होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी जो है कंप्लीट करना है सीरीज को, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है नंबर ऑफ लेटर जो है इंक्रीजिंग हो रहा है, प्लस 1 ऐड होते जा रहा है, 3, 4, 5, 6, तो नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें 7 लेटर आएगा, तो ऑप्शन सी एंशियंट में है 7 लेटर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो है कंप्लीट करना है सीरीज जी आई के एम, इसमें क्या हो रहा है कि प्लस टू ऐड हो रहा है, जी एच आई, उसके बाद जे के, उसके बाद के एल एम, एम के बाद जो हो जाएगा एन ओ, ओ हो जाएगा, प्लस टू ऐड होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीरीज, कंप्लीट करना है सीरीज को, बी ई एच सी एफ आई डी जे जी जे ई एच के, इसमें क्या हो रहा है बी सी डी ई, उसके बाद नेक्स्ट वाला होगा एफ, एफ सी और डी में है तो सी और डी हो सकता है, नेक्स्ट देखते हैं ई एफ जी एच, तो नेक्स्ट में होगा आई, तो आई जो है ऑप्शन सी में है, तो एफ आई एल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज करना है, इसमें क्या हो रहा है कि रोटेशन हो रहा है। सबसे पहले जो है इसमें फर्स्ट में जो है थर्ड लेटर जो है रोटेट हो रहा है, थर्ड प्लेस वाला लेटर जो है रोटेट हो रहा है, एक्स जो है रोटेट होके इस प्लेस पे आ रहा है और वो यहाँ पे आ जाता है, तो रोटेट ऐसे होते जाता है, और लास्ट में जो है लास्ट में यहाँ पे जो है एक्स ये रोटेट करेगा तो आ जाएगा एक्स ओ एक्स, तो ऑप्शन डी में आ रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।